उसके बाद ट्री बनाने के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले येलो, लेमन येलो, गिव सम स्ट्रोक्स, जैसे भी हमें लाइट ही अप्लाई करना है, देन क्रोम, यहाँ हमने लेमन डाला है और इधर हमने क्रोम डाला है। क्रोम के बाद अब हम लेंगे इसी से हमने सैप ग्रीन। सैप ग्रीन भी हम इसमें हल्का हल्का अप्लाई करना है स्ट्रोक्स में, इसको मिक्स नहीं करना है आपस में, ठीक है। वाटरी इफेक्ट के साथ आप कलर यूज करिए, पानी ज्यादा और कलर कम, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से हम डाल रहे हैं सैप ग्रीन शेड, हम इधर भी अप्लाई कर देंगे। Then, सैप ग्रीन से भी एक हमें डार्कर टोन की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे सैप ग्रीन के साथ। नेक्स्ट एक कलर और ले लेते हैं, सैप ग्रीन एंड वाइट के पास में जो ब्राउन शेड है वो शेड ले लेते हैं सैप ग्रीन के साथ, तो थोड़ा सा मड टाइप का कलर बनेगा, ये मडी ग्रीन हो जाएगा। तो ये शेड आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैं 10 नंबर का ब्रश अप्लाई बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई शार्प पॉइंट का ब्रश नहीं लिया है। बस ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रश हैं उनके पॉइंट अच्छे से बने होने चाहिए। तो ये शेड भी हमने अप्लाई कर दिया। अगर आप इसमें और डार्कनेस चाहते हैं तो इसमें ही आप अप्लाई करेंगे ब्लू एंड ये हो गया हमारा सैप ग्रीन में ब्लू मिक्स किया है तो हल्का डार्क शेड आ गया है। इसे कहीं कहीं टच करना है जहां हमें डेप्थ दिखानी है, डेप्थ का जहां इफेक्ट दिखाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर अप्लाई करिएगा। वन साइड से हमें लाइट दिखानी है। आपको परेशान नहीं होना है कि वन टाइम में मेरे स्ट्रोक्स ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं, सो प्लीज उसके लिए बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि मैम ने ऐसा किया मेरा तो खराब हो गया। खराब कुछ नहीं होता, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक थोड़ा सा सेम नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ना से कुछ बैठ कुछ करना बेहतर है। ये सोच के बैठ जाए कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा वो चीज गड़बड़ है। ये ट्री हमारा ऑलमोस्ट ट्री का टेक्सचर हो गया डन। अब हमारी आएगी बारी स्टैम की। स्टैम में मैं एक हल्का सा स्ट्रोक दे रही हूँ ग्रीन का, और इसको आप थोड़े से यहाँ ग्रासेस दिखा सकते हैं, कोई कलर हमें वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ग्रीन का इफेक्ट डाल दिया, ये वाटर मैंने लिया और इसको इस तरीके से यहाँ स्प्रेड कर दिया, कहीं कहीं स्ट्रोक्स डाल दिए, हमने पहले पर्पल के भी डाले हैं। तो हमारा जो साथ में जमीन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लेंगे थोड़ा पॉइंटेड ब्रश और उसमें ब्लैक ले रहे हैं, ब्लैक के साथ थोड़ा सा ब्लू एंड रेड। ये देखिए
डार्क ब्राउन करना है बेसिकली आपने, तो एक शेड आपने ये बना दिया सबसे डार्क वाला, ठीक है, और एक शेड आप ब्राउन का ले लेंगे, ब्लू के पास में ही है, ये ब्राउन है आपका, सो एक शेड आपका ये हो गया, और एक आप मड वाला कलर ले लेंगे ये। तो सबसे पहले हमें वाटर के साथ इसे अप्लाई कर देना है लाइक दिस, ये हमने अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ हमारे स्टैम्प्स हैं दिख रहे हैं, जो पार्ट हमारे रेस्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे ब्राउन शेड, वन साइड लेना है, वन साइड से आपने कलर डालना है, ब्रश का पॉइंटेड होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा ट्री का ऑलमोस्ट पार्ट डन हो गया। अब मैंने लिया ब्लैकिश, जो मैं कहीं कहीं टच करूंगी, ये ब्लैकिश ब्राउन है, एकदम से ब्लैक नहीं है। सो वो हमारा ट्री पूरा डन हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा ट्री भी कंप्लीट करेंगे। Thank you.